हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, अभी अभी मैं उठा हूँ, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो दोस्तों, मैंने चैलेंज लिया है अभी कि मैं 7 डेज कंटिन्यूसली व्लॉगिंग करूँगा। तो अभी तो यानी कि 6:30 हो रखे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश आई है, तो देख सकते हो। और दोस्तों, मौसम देखो ऊपर का। तो वो मौसम दोस्तों मैं छत पे जाके दिखाऊंगा आपको, तो चलो छत पे। तो गाइज, अभी मैं छत पे, तो देख सकते हो आप ऊपर का मौसम यानी कितना अच्छा हो रखा है। तो पूरा दिखाता हूँ आपको। तो तैयार होता हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि दोस्तों आज है मेरा मंथली टेस्ट। तो तैयार होता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, तो देख सकते हो। तो अभी तो मैं आया हूँ साइकिल निकालने, क्योंकि दोस्तों हमारा स्कूल है गांव में ही, तो साइकिल पे ही चले जाते हैं। तो मैंक तो अभी घर पर है, वो तैयार हो रहा है, तो अभी उठा ही है, क्योंकि सुबह के 7 बजे मेरे से 1 घंटे बाद उठता है वो। तो चलो अभी साइकिल निकालते हैं और घर पे। तो गाइज, साइकिल निकालता हूँ और आपको सीधा घर पे मिलता हूँ। गाइज, अभी तक तो आपने देखा था, तब तक तो थी धूप, लेकिन अब धूप जा चुकी है और बादल मंडरा चुके हैं। तो देख सकते हो ऊपर और नीचे, देख सकते हो दोस्तों, कहीं पर भी धूप नहीं है, तो कभी भी बारिश आ सकती है। तो हमें जल्दी से स्कूल में जाना होगा। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको सीधा मैंक तैयार होने के बाद। गाइज, स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आपको स्कूल से आने के बाद मिलता हूँ सीधा। तो मैं आ चुका हूँ घर से यानी कि स्कूल से दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के नहीं दोस्तों, 2 PM हो रखे हैं अभी। तो अभी जस्ट आए हुआ हूँ, थोड़ी देर हुआ है। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, देख सकते हो, और खाना भी खा लिया है। तो अभी तो मैं आया हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और फिर आपसे मिलूँगा। तो दोस्तों, देख सकते हो अभी तक यानी कि धूप नहीं निकली है, यानी कि सुबह एक ही बार निकली थी, उसके बाद अभी तक धूप नहीं निकली है। तो तभी तब से लेके अब तक ही बादल मंडरा रहे हैं। तो अभी तो चलो यानी कि मैं साइकिल खड़ी करके आता हूँ, क्योंकि वही बात है, बारिश में आने के बाद जंग लग जाएगा साइकिल में पूरी में। तो पहले भी बहुत लगी हुई है, क्योंकि पूरी ख़राब हो रखी है दोस्तों ये दोस्तों मैं सर्दियों में ठीक करूँगा, एक दिन टाइम लगा के अच्छी तरीके से। तो सुबह तो दोस्तों या वहाँ पर अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन अब ख़राब मौसम, यानी कि पूरे ठंडी ठंडी हवा, अच्छा ही मौसम है वैसे तो। तो चलो साइकिल खड़ी करके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, साइकिल खड़ी कर दी है, देख सकते हो। तो अभी आपको दिखाता हूँ, यानी कि मैंने 5-6 महीने हो चुके हैं, मैंने आपसे एक प्लॉट नहीं दिखाया। तो चलो अभी आपको प्लॉट दिखा देता हूँ कि कैसे कुछ यानी पौधे कितने बड़े हो चुके हैं। तो चलो पहले तो एक गेट। तो दोस्तों, गेट बंद कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे तो यानी कि मेनली ऑफिस है, जो कि यानी कि मेरे दादा और यानी कि ये बैठते हैं। तो लाइट से सकता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे ये एक यानी कि पहले तो नॉर्मल थी ये खुली हुई, तो यहाँ पे एक गेट लगवा दिए हैं। तो यहाँ पे ये पोस्टर हैं और फोटो। तो दोस्तों, आ चुके हैं यानी कि प्लॉट में।
तो ये देख सकते हो यहाँ का हाल। तो ये है दोस्तों मौसमी का पेड़, जो कि पहले से आपको यानी कि पुराने व्लॉग में देख लेना कि ये एक पहले कितना छोटा था और अब कितना बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे ये भी, और दोस्तों ये यानी कि अमरूद का पेड़ भी बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो पहले तो यानी कि एक छोटी सी डाली थी, एक सिंगल एक टहनी थी, तो अब देख सकते हो कितना बड़ा हो चुका है। और एक यानी कि दोस्तों यहाँ पे था एक नीम का पेड़, जो कि अच्छे से उगा नहीं तो इसको उसको उखाड़ दिया गया। तो यहाँ पे है दोस्तों पुदीना, और यहाँ पे तो यानी कि ओक्का पीने के लिए आँच है। तो दोस्तों यहाँ पे है पुदीना, तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा उग गया है, सर्दियों में तो नहीं उगता ये। तो और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बेल, जो कि बहुत बड़ी है। पहले भी दोस्तों ये घिया की बेल है शायद, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना कि किस चीज़ की बेल है ये। तो पहले तो दोस्तों यानी कि ये बहुत यानी कि पिछली गर्मियों में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी, यहाँ से लेके और दोस्तों यहाँ तक फैली हुई थी। तो अभी तो ये यानी कि जब तो सर्दियों के कारण और गर्मियों के कारण यानी कि ये हो गई थी ख़राब, तो अब फिर से हो चुकी है। तो देख सकते हो कितनी बड़ी हो चुकी है दोस्तों यहाँ तक, यहाँ से लेके। और दोस्तों यानी कि ये इस दीवार के पीछे भी जा चुकी है, देख सकते हो आप, तो वो भी आपको पीछे भी दिखाऊंगा। और देख सकते हो और पौधे, देख सकते हो वहाँ तक पूरे बड़े हो चुके हैं। पहले यानी कि जो भी आप पुराने व्लॉग देखते थे उनको पता है कि ये कितनी छोटी थी। तो वैसे तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए व्लॉग अपलोड करते हुए, आप देख भी सकते हो जाके प्लॉट टूर में दोस्तों मैंने पूरा दिखा रखा है। तो चलो अब इसके आपको पीछे की तरफ जाके वहाँ से दिखाता हूँ। तो दोस्तों यानी कि इस दीवार के साथ देखो दोस्तों वहाँ पे बेल आ रखी है, जो कि प्लॉट में से आ रखी है, तो ये देख सकते हो। और यहाँ पे भी दोस्तों पूरा जंगल बन रखा है, यहाँ पे पहले ही इतना यानी कि वे नहीं थे झाड़ी, तो अब वो रखी है, तो देख सकते हो। तो गाइज इस व्लॉग में आपने देखा कि मैंने चैलेंज लिया है 7 डेज डेली व्लॉगिंग का, तो वो दोस्तों मैं कंप्लीट करके रहूँगा। तो इस व्लॉग में इतना ही, मैं मिलता हूँ इसके साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।